नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको टॉप 5 डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में। अगर आप डिविडेंड के साथ ग्रोथ चाहते हैं तो टॉप 5 कंपनियों में कई कंपनियां ऐसी भी है जो आपको अच्छा डिविडेंड भी देती है, साथ साथ अच्छा ग्रोथ भी आपको आने वाले समय में दे सकती है। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक्स काफी मतलब अच्छे होते हैं जिससे आपको रेगुलर इनकम प्राप्त होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम चाहते हैं तो इन सारे स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी गिरावट में मिलता है तो आपको बाय ऑन डिप्स करना है, मतलब अच्छे प्राइस लेवल पे आपको बाय करना है, जिससे आपका जो डिविडेंड यील्ड होगा वो काफी शानदार होगा। तो इसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए 5 स्टॉक्स जिसपे हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, मतलब हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है आपको हिंदुस्तान जिंक। दोस्तों हिंदुस्तान जिंक काफी बेहतरीन कंपनी है, वेदांता की सब्सिडियरी कंपनी है और काफी अच्छी कंपनी है। डिविडेंड यील्ड इसका देखिएगा तो 15.65% डिविडेंड यील्ड देख लीजिए, इतना है। मतलब 100 रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 15 रुपीज आपको डिविडेंड के रूप में प्राप्त होगा। तो दोस्तों ऐसे बेहतरीन स्टॉक जब भी आपको गिरावट में मिले तो जरूर इन्वेस्ट करनी चाहिए आपको। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें तो लॉन्ग टर्म चार्ट देख लीजिए, ये भी काफी सॉलिड है, लगातार अप ट्रेंड में चार्ट है। तो जो चार्ट आपको लगातार अप ट्रेंड में दिखता है वैसी कंपनियों में ही जब आपको गिरावट में मिलता है तो आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। देख सकते हैं ये स्टॉक एक समय आपको 141 रुपीज तक आ चुका था, अगर आप इस प्राइस पे बाय करते तो आपको जो डिविडेंड यील्ड होता वो आपका लगभग 25% के आसपास होता। दोस्तों 25% का डिविडेंड यील्ड मतलब 4 साल में आपका सारा का सारा जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करते वो आपको वापस मिल जाता, और जो ग्रोथ मिलता वो अलग, और जो ग्रोथ के साथ साथ आपको डिविडेंड मिल रहा है वो अलग, साथ ही साथ आपको बोनस भी मिलेगा, स्टॉक स्प्लिट भी मिलेगा। इन सारे बेनिफिट्स आपको इन सारे स्टॉक्स में देखने मिलेंगे, क्योंकि ये कोई PSU स्टॉक नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं PSU स्टॉक में हमें ग्रोथ नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों ये सारे स्टॉक जो है प्राइवेट सेक्टर के स्टॉक है, जो हिंदुस्तान जिंक हो गया और दूसरा जो हम आपको ITC के बारे में बताएं, ये सारे प्राइवेट सेक्टर के स्टॉक, इसमें आपको ह्यूज ग्रोथ मिलेगा आने वाले समय में अगर आप 5 साल 10 साल 20 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं। तो अगला स्टॉक है हमारा ITC। ITC काफी बेहतरीन है और काफी ग्रोथ इसमें पोटेंशियल बाकी है। अभी की स्टॉक काफी देर से अंडर वैल्यूड स्टॉक है, अगर इसका आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो काफी आपको अच्छे डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है। देखते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस 400 के आसपास हुआ करता था, 300 से ऊपर तो कई बहुत लंबे समय तक ये स्टॉक रहा और ये काफी गिरावट में मिला। ये स्टॉक एक समय 140 रुपीज तक आ चुका था। अगर आपने अभी तक इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया तो गिरावट में कभी फिर से मिलता है आपको तो जरूर इन्वेस्ट करें। दोस्तों बता दें ये स्टॉक देखते हैं, यहाँ पहले भी यहाँ 2006 से लेकर के आप यहाँ पर देखेंगे तो 2009 तक 3 साल लंबे समय तक ये यहाँ पर देखते एक ही जगह पर कंसोलिडेट हुआ था और वहां से रैली पकड़ा। तो ये स्टॉक देखते हैं काफी जबरदस्त रैली किया 10 साल तक। तो इसी तरह से ये स्टॉक जो है काफी लंबे अरसे तक कंसोलिडेट होता है, फिर रैली जब यहाँ से पकड़ेगा तो आपको फिर से ये स्टॉक नीचे के प्राइस पर आप नहीं कैच कर पाएंगे। तो अभी काफी बेहतरीन मौका, और यहां पर डिविडेंड यील्ड देख लीजिए 4.87%, मतलब 5% के आसपास इसका डिविडेंड यील्ड है। दोस्तों आपको FD में ब्याज मिलता है 7% और यहां पर मिल रहा है आपको 5% का डिविडेंड यील्ड। अगर आप उसमें भी अगर नीचे के प्राइस पर 160 पर अगर आप लिए रहते आपका डिविडेंड यील्ड होता 8%। तो दोस्तों आपको अगर नीचे के प्राइस पर मिलता है तो आपका डिविडेंड यील्ड भी काफी शानदार होगा, मतलब जो आप FD में लगाते हैं उससे अच्छा है कि आप इस तरह के जो ब्लू चिप कंपनियां हैं इंडिया की, जो वैल्यूएबल कंपनियां हैं जिस पे आपको भी विश्वास है कि यह स्टॉक लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छा रिटर्न देगा, तो इस स्टॉक में गिरावट में आप इन्वेस्ट कीजिए। अगला जो हमारा तीसरा स्टॉक है बालमर एंड कंपनी लिमिटेड, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है में से एक है। यहां पर आप देखते हैं 160 रुपीज इसका प्राइस है और इसका भी लॉन्ग टर्म चार्ट आपको दिखाते हैं तो लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए कितना सॉलिड है। अगर इस कंपनी का रिटर्न देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे तो यहां पर देख लीजिए 8,000-9,000% का रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे आपने इन्वेस्टर को। अगर अभी तक ओवरऑल बात करें तो अभी ओवरऑल ये देखते हैं 5,000% का रिटर्न दे दिया है इस कंपनी ने, अगर किसी ने 2000 इसमें में इन्वेस्ट किया होता। साथ साथ इसका डिविडेंड यील्ड देख लीजिए 6.45%। तो दोस्तों FD पर जितना आपको रिटर्न मिलता है उतना रिटर्न ये कंपनी आपको दे रहा है डिविडेंड के रूप में। साथ ही साथ इस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं एक मल्टी बैगर रिटर्न प्राप्त होता। अगर 5,000% का रिटर्न दिया है आपको 20 ईयर्स में, मतलब आपका जो रिटर्न है वो आपका रिटर्न
50 टाइम्स हो गया, मतलब अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए रहते हैं तो 50 लाख रुपीज आपको रिटर्न में मिलेगा, साथ साथ डिविडेंड जो है आपको अलग से मिलेगा। तो ऐसी शानदार कंपनियां जब गिरावट में मिलती है उस समय बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है इसमें इन्वेस्ट करने का और रेगुलर इनकम जनरेट करने का, पैसिव इनकम जनरेट करने का। अगर आप पैसिव इनकम चाहते हैं स्टॉक मार्केट से तो आप इन सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे हिंदुस्तान जिंक, ITC, बालमर एंड कंपनी, और साथ साथ और कई सारे स्टॉक है, PSU स्टॉक है जैसे ऑयल इंडिया, इसका डिविडेंड यील्ड देख लीजिए 9.75%। अगर कोई चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी के साथ जाएंगे, सरकारी कंपनियां, क्योंकि इस ये ज़्यादा स्टेबल कंपनियां होती है मार्केट में, तो इसमें जो होता है जो स्कैम होता है स्कैम का डर नहीं होता इन्वेस्टर को, तो ये कंपनी भी काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर आपको मिल रही है, आप चाहे तो इसके साथ जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें ग्रोथ आपको नहीं मिलेगा, मतलब ग्रोथ पोटेंशियल जो है काफ़ी कम होता है PSU स्टॉक में, जैसा कि पिछले कई सालों से देख मिला, देख सकते हैं स्टॉक लगातार प्राइस जो है नीचे आ रहा है, लेकिन डिविडेंड यील्ड काफी शानदार है, लगभग 10% का रिटर्न मिलेगा जो कि आपको FD में इतना रिटर्न नहीं मिलता है। तो जब आपको काफी अच्छे वैल्यूएशन पे ये स्टॉक मिल रहा है तो हो सकता है आने वाले समय में PSU स्टॉक अच्छा परफॉर्म करे तो आपको ग्रोथ भी मिलेगा और साथ साथ डिविडेंड तो काफी शानदार आपको मिल ही रहा है। तो अगर आपको डिविडेंड भी शानदार चाहिए साथ साथ ग्रोथ भी चाहिए तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं और काफी बेहतरीन स्टॉक है। इसी में दूसरा स्टॉक है हमारा कोल इंडिया माना जाता है कि अपने बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट करता है और ये भी स्टॉक काफी शानदार है। ये भी स्टॉक देखते हैं लगातार नीचे रहा और ये स्टॉक काफी हाई प्राइस पर हुआ करता था, जबकि अभी आपको काफी नीचे प्राइस मिल रहा है 136 रुपीज पर, और इसकी बात करें तो जो लो वैल्यू बनाया 110 रुपीज तक ये स्टॉक आया था, आप 110 पे भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे। और इसका डिविडेंड यील्ड देख लीजिए 9.90%, मतलब अप्रोक्स 10% के आसपास है, 10% तो आपको FD पे ब्याज भी नहीं मिलता, और ये स्टॉक इतना सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी काफी है, क्योंकि ये बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट करता है अपने बिजनेस में, साथ ही साथ आप तो डिविडेंड 10% मतलब FD से ज्यादा ब्याज मिल रहा है, साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी है कि ये कंपनी कभी आप मतलब बर्बाद होने वाली नहीं है, तो आपको लॉन्ग टर्म में निश्चित है ये कंपनी अच्छा बेनिफिट्स देगा, साथ साथ बोनस और स्टॉक स्प्लिट का भी बेनिफिट होगा आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों ये 5 शानदार कंपनियां थी जो कि डिविडेंड देने में स्टॉक मार्केट का राजा है, मतलब ये डिविडेंड के रूप में इतना रिटर्न देता है जितना रिटर्न कि आप FD में प्राप्त नहीं कर सकते, किसी भी और इन्वेस्टमेंट से आप प्राप्त नहीं कर सकते उतना रिटर्न ये सारे स्टॉक, मतलब ये 5 स्टॉक आपको डिविडेंड के रूप में देता है, और पांचों जो है काफी इवरग्रीन कंपनी है और काफी स्टेबल कंपनी है स्टॉक मार्केट की, तो आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें इन्वेस्ट करने से पहले। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।